गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 12. टॉपिक इज लेट्स स्टार्ट द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन ट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें एक वर्ड आया है ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट वी विल सी वॉट इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. जो पर्सन और जो थिंग जो है वो एक्शन को जो रिसीव करने वाला होता है, एक्शन रिसीवर होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो फर्स्ट वी विल टेक ट्रांजिटिव वर्ब. व्हेन अ वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. जिस वर्ब में एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ सी द एग्जांपल, माय मदर कट द केक. ओके, यहाँ पे कट क्या है? वर्ब है. और इस कट को कट क्या कट हो रहा है? केक कट हो रहा है. तो केक इज द ऑब्जेक्ट. ओके, एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? केक. तो हियर इज केक इज द ऑब्जेक्ट एंड कट इज वर्ब. तो दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब. जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. एंड नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब, व्हेन अ वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लाइक फॉर एग्जांपल द चाइल्ड वेप्ट लाउडली. बच्चा बहुत तेज़ी से रोया. अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, तो सो दिस इज द इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द टीचर गेव मी अ बुक. हियर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव? दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. व्हाई? बिकॉज बुक, बुक इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. द टीचर गेव मी अ बुक. टीचर ने मुझे बुक दी. तो देने, जो देने का काम हो रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? बुक. ओके, नाउ द चिल्ड्रन sang अ लवली सॉन्ग. हियर ऑब्जेक्ट है ना? सॉन्ग. तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव. द बर्ड sang स्वीटली. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. यू ऑल विल बी अंडरस्टूड. ओके, नाउ डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज.